स्वच्छ भारत मिशन से तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के संगमपट्टी गांव में स्वच्छता को काफी बढ़ावा मिला है। इस गांव की निवासी अय्या माल ने बताया कि पहले लोग शौच के लिए खुले में जाते थे, लेकिन स्वच्छता अभियान ने गांव के लोगों में साफ सफाई के संबंध में जागरूकता फैलाने में मदद की है। पहले हमारे गांव में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने घरों में शौचालय बनाने में हमारी काफी मदद की है। हमारे पास सौर ऊर्जा से चलने वाला एक हीटर भी है, जिससे हमें विभिन्न कामों के लिए गर्म पानी भी मिल जाता है। साथ ही नष्ट होने वाले कूड़े और नहीं नष्ट होने वाले कूड़े को अलग अलग करने का काम भी गांव में किया जा रहा है। एक और स्थानीय निवासी गणेशन ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान ने शौचालय के निर्माण में लोगों की काफी मदद की है। स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे यहां का जमीनी जल स्तर बढ़ा है। इस वर्ष देश में 1,25,00,000 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया और 400 से ज्यादा जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। तमिलनाडु भी अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जो 100% खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रिका जोशी।